ये जो नताशा इसको जा रही है, और ये जाते समय दोस्तों काफी हिलता है, ये देख रहे हैं। ये गोलगप्पा और कोल्ड ड्रिंक ले लिया है, और आपको दिख रहा होगा कि अभी काउंटर पे यहाँ पे चेस है। और ये रहा दोस्तों आपका, दिख रहा है कि तीन तरह की सब्जी है जो आपको दिख रही होगी यहाँ पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू टू आवर चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं रिज़ॉर्ट, जो कि पोरबंदर का यूनिक रिज़ॉर्ट है। और ये रिज़ॉर्ट क्यों खास है हम वहाँ पे चल के देखेंगे। तो थोड़ी ही दूर में हम रिज़ॉर्ट पहुँच जाएंगे, और आपको बता दूँ कि ये जो रिज़ॉर्ट है उसकी जो दूरी है पोरबंदर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राइट साइड में वो रिज़ॉर्ट आ चुका है, लेकिन हम यू टर्न लेके यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आप देख रहे होंगे कि हाईवे से राइट साइड था, तो हमने यू टर्न लेके आए हैं। और ये रहा जो यूनिक रिज़ॉर्ट है उसका एंट्रेंस, और अंदर पार्किंग की कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने आपको दिख रहा होगा कि गाड़ियां लगी हुई हैं, तो यहां आपको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये रिज़ॉर्ट अभी बिल्कुल न्यूली ओपन है, ज़्यादा मतलब मुश्किल से 2 से 3 महीने हो रहे हैं इसको ओपन हुए। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि सामने गाड़ियाँ पार्क हैं, हम भी अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करेंगे और आपको अंदर की तरफ ले चलेंगे और दिखाएँगे कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब कि आपको पार्किंग की दिक्कत किसी भी तरह से यहाँ पे होने वाली नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्पेसियस बनाया गया है ताकि कितने भी लोग आए, कितनी भी गाड़ियाँ आए, यहाँ पे ईज़िली पार्क हो सके। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाहर भी कुछ पोस्टर लगे हैं दोस्तों, जहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अभी हम अंदर चलेंगे और क्या क्या इसके ऑप्शंस है वो हमें अंदर पता चलेगा। तो ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ पे नताशा और आदि भी यहीं पर हैं। तो आप नताशा और आदि यहाँ पे टिकट काउंटर पे खड़े हैं। से आदि हेलो, और नताशा भी यहीं पे है। तो चलिए अभी हम लोग टिकट के यहाँ से परचेस कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का क्या फेयर है और क्या टाइमिंग है। फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमने टिकट परचेस कर लिया है, और यहाँ पे पर पर्सन जो टिकट है वो 300 है। और ये जो यूनिक रिज़ॉर्ट है उसका इनॉग्रेशन जो था वो 22 मार्च 2022 को था। तो यहाँ पे दोस्तों बच्चों जो 5 साल से नीचे हैं उनका फेयर नहीं लगता, तो हमने 2 टिकट परचेस किया है। और वो 2 टिकट अंदर, उसी 2 टिकट मतलब 300 के फेयर में आप सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे जितने भी फूड हैं, गेम जोन है, स्विमिंग पूल है, सबका मज़ा आप उठा सकते हैं उतने ही में। तो अभी हम लोग एंट्रेंस कर रहे हैं यहाँ पर, और जो भी ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 2 टोकन भी मिला है। तो वो 2 टोकन हम जब यहाँ पे लंच करेंगे, क्योंकि हम आफ्टरनून के टाइम पे आए हैं, तो उस टोकन का यूज उस टाइम होगा। तो अभी काफ़ी अच्छा व्यू है, आप एंट्रेंस इसका देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है। और अभी थोड़ा सा धूप है, बट हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मैं यहाँ की एक एक चीज़ से अवगत कराऊँगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमें, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आप इजीली 2 से 3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा व्यू है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। आदि यहाँ पे अभी से ही इंजॉय करने लगा, आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक झोपड़ी टाइप का बनाया हुआ है, और उसमें जाने के लिए यहाँ से लैडर है, लैडर के थ्रू हम ऊपर जाएंगे। और ये बनाया हुआ है, इसके थ्रू आप इस झोपड़ी में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी झूला भी है, यहाँ पे झूला आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइप का झूला है हर तरफ, मतलब ऐसा बनाया गया है दोस्तों इसको कि लोग काफ़ी यहाँ पर इंजॉय कर सकें। तो अभी हम एंट्रेंस करते ही राइट साइड आएँ, और राइट साइड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको ये एडवेंचर भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो
पार करने के लिए बनाया हुआ, काफ़ी एडवेंचरस है क्योंकि जब आप इसे पार करेंगे तो ये काफ़ी हिलेगा, तो बहुत ही एडवेंचरस गेम भी है यहाँ पे। तो अभी आगे चलते हैं और ये देखिए कि यहाँ पे नताशा और आदि जो है ऊपर ऑलरेडी चढ़ गए हैं, तो मैं भी ऊपर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ऊपर क्या है। चलो स्लोली बेटा, तो आदि भी इसमें से जा रहा है, काफी अच्छा है। स्लोली स्लोली, गो 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 स्लोली। तो ये देखिए कि अंदर झोपड़ी के अंदर आदि और नताशा पहुंच चुके हैं और मैं भी जाता हूं और देखता हूं कि यहां पे और क्या क्या चीजें हैं। तो अभी हम लोग झोपड़ी के अंदर पहुंच गए और यहाँ से भी सीन देखा था, तो ये देखिए कि यहाँ बच्चों के स्लाइड के लिए भी बनाए गए कि यहाँ से बच्चे स्लाइड कर सकें। और ऊपर से नज़ारा देखें तो आसपास तो खेत है लेकिन काफ़ी अच्छा है। इस साइड से देखते हैं कि और क्या है। तो यहाँ से भी एक रास्ता है जो जाता है, तो ऊपर से भी दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा व्यू है कि काफ़ी झोपड़ी वगैरह बनी और हम आपको स्विमिंग पूल के पास भी लेके जाएंगे। अभी ये जो नताशा इसको जा रही है और ये जाते समय दोस्तों काफ़ी हिलता है, ये देख रहे हैं कि ये हिल भी रहा है। नताशा जा रही है और वहाँ स्टेयर से, तो काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है यहाँ से हमें। अभी तो हमने जस्ट एंटर किया है और ये जो पहला जो यहाँ का एडवेंचरस था वो हमने देखा, काफ़ी अच्छा है। तो आदि भी इस झूलते हुए पुल का मज़ा उठा रहा है और धीरे धीरे आदि यहाँ पर आ रहा है। कम कम बेटा, कम बेटा, स्लोली। तो आदि यहाँ पे आ गए, इसे स्लाइड करने में बहुत मज़ा आया है, तो ये दोबारा यहाँ से स्लाइड करेगा और हम देखते हैं आदि यहाँ से स्लाइड करके जा रहा है। स्लोली बेटा, स्लोली, हाँ स्लोली स्लोली स्लोली, गो 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 स्लोली। अभी दोस्तों आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि और क्या चीज़ है यहाँ पे। तो बच्चों के लिए यहाँ पे जंपिंग गेम भी ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है जैसा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे बच्चे, अभी दोपहर का टाइम है इसलिए आपको भीड़ नहीं दिख रही है। मैंने दोपहर के टाइम पे प्रीफर इसलिए किया ये वीडियो बनाने का ताकि आपको अच्छी तरह से मैं सब कुछ दिखा सकूं, क्योंकि रस में इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर दिखा सकूं, इसलिए मैंने अभी का टाइम चूज किया है ताकि मैं आपको इस यूनिक रेस्टोरेंट के एक एक चीज़ से अवगत करा सकूं, ताकि आप जब भी यहाँ का प्लान करें तो आपको इस रिज़ॉर्ट के बारे में सब कुछ पता हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग थोड़ा सा फूड जोन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ फूड्स में, क्योंकि जो हमने टोकन लिया है 300 का वो बिल्कुल अनलिमिटेड है, उसमें आप कुछ भी यहाँ पे खा पी सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग फूड जोन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फूड जोन में क्या क्या अवेलेबल है। आदि कम हियर बेटा, क्या है मोटा भाई, अभी क्या मिल जाएगा? पानी पीरी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, तो एक पानी पूरी दे दीजिए। तो यहाँ पर आप मतलब कि जो अनलिमिटेड है, यहाँ पे पानी पूरी भी है, आप टी ले सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, उसके बाद आप लंच में जो भी लें, तो ये सब कुछ जो है वो अनलिमिटेड है। तो अभी आदि आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है। कितना मंथ हुआ है मोटा भाई अभी इस ऊपर? 3 मंथ्स। ओके, तो जैसा मोटा भाई बता रहे हैं कि ये खुले हुए 3 मंथ्स हुए हैं और लोगों का जो भीड़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अभी दोपहर का टाइम है इसलिए आपको लोग दिख नहीं रहे हैं। तो अभी चलिए हम लोग यहाँ पे पानी पूरी हमने ले लिया है और टेस्ट करते हैं कि यहाँ का जो पानी पूरी है वो कैसा है। ओके ओके, वाह। तो जैसा मोटा भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे 500 से 700 लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैंने दोपहर का टाइम इसलिए चुना है ताकि मैं आपको ये यूनिक रिजॉर्ट दिखा सकूं अच्छे से, क्योंकि रस में मैं आपको ये दिखा नहीं पाऊंगा। तो अगर आप इवनिंग के टाइम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 500 से लेके 700 लोगों की भीड़ मिलेगी। तो अभी नताशा यहाँ पे पानी पूरी टेस्ट कर रही है और देखेगी ये पानी पूरी कैसा है।
तो जैसा अभी इन्होंने बताया कि अगर आपको यहाँ पे बर्थडे वगैरह करना हो तो आप यहाँ पे एक बैंक्वेट हॉल है जो 200 लोगों की कैपेसिटी का है, आप कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे 3000 लोग की कैपेसिटी का भी एक हॉल है जो हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे गोलगप्पा और कोल्ड ड्रिंक ले लिया है और आपको दिख रहा होगा कि अभी काउंटर पे भीड़ होना शुरू हो गया है क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है। तो दोपहर के टाइम में उतना कुछ खास भीड़ नहीं है, तब भी आपको मैंने बताया कि जो भी यहाँ पे मिलता है वो सारा कुछ अनलिमिटेड है। तो अभी हम यहाँ से खाते हैं और आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हमने गोलगप्पे का मज़ा ले लिया जो आपने देखा कि लोग गोलगप्पा यहाँ खा भी रहे, और अभी हम लोग अब यहाँ पे नताशा चाय भी पी रही है। तो आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे सूप भी है, आपको दिख रहा होगा काउंटर पे पानी पूरी, सूप, टी और कोल्ड ड्रिंक, मतलब ये चारों आपके पास अनलिमिटेड है। मतलब ये एज ए आप स्टार्टर बोल सकते हैं कि एज ए स्टार्टर आपके लिए अनलिमिटेड है यहाँ पर। और आगे लंच में क्या है वो तो हम लंच के टाइम पे देखेंगे लंच में क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो सीटिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छा सीटिंग कैपेसिटी है। तो बगल में भी बैठने के लिए है, वहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की सीटिंग कैपेसिटी जो है वो कैसी है। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एक जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी झूलने वाला, मतलब कि लोग काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर रश बहुत ज़्यादा हो तो भी लोगों को बैठने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पे बैठने का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भी लंच वगैरह है वो यहीं पे सर्व किया जाएगा। तो काफ़ी सिटिंग अरेंजमेंट और जो चेयर्स है वो काफ़ी अच्छी चेयर्स है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये यूनिक रिजॉर्ट है काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो लंच के टाइम पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लंच में क्या क्या ऑप्शन है। तो एक बार मैं यहाँ से आपको सारा व्यू दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ जो सिटिंग कैपेसिटी जो बनाई गई है दोस्तों उससे मैं भी काफ़ी प्रभावित हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सिटिंग कैपेसिटी है यहाँ की। कितना भी रश हो, कितने भी लोग हों, लेकिन बैठने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पे ओके। तो चलिए यहाँ के जो मोटा भाई, आपका नाम क्या हुआ मोटा भाई? गोढ़ानिया महेश, यहाँ के कैप्टन है, वो आपको यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, प्लीज बताइए सर। ये सर हमारा ओपन रेस्टोरेंट है, हम सिर्फ नाइट के समय स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सीटिंग रहेगा, ये एक्चुअली है गुजराती वाला, जैसे अभी हमारा क्या सेटअप लगाया हुआ नहीं है। ओके, इसमें वर्क चल रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे भी वर्क चल रहा है इसलिए चेयर्स नहीं लगी गई हैं। हाँ, चेयर्स नहीं रहेगा सर, ये गुजराती स्टाइल में नीचे बैठ के खाना। ओके, तो ये बता रहे हैं कि गुजराती स्टाइल में यहाँ पे नीचे बैठकर खा सकते हैं, तो यहाँ गुजराती लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। आगे सर, आगे का हमारा सर वहाँ यहाँ पे हम स्विमिंग पूल वगैरह है। ओके, ओके, हम 200 लोगों की कैपेसिटी वाला हमारा बैंक्वेट। अच्छा, 200 लोगों की, जो मैं आपको दोस्तों बैंक्वेट हॉल बता रहा था वो जो आपको सामने दिख रहा है 200 लोगों का बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे आप बर्थडे वगैरह जो अगर प्लान करना चाहें आप कर सकते हैं। हाँ, हमारा ओपन थिएटर है, जैसे अभी का टाइम नहीं रहेगा, वो शाम के टाइम ही हमारा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों एक सामने ओपन थिएटर भी है जो रात के समय ऑपरेटेड होगा। तो ये जैसा बता रहे हैं यहाँ पे लोग बैठ के ओपन थिएटर का भी मजा ले सकते हैं। और जैसे ये किड्स के लिए थोड़ा एडवेंचर गेम्स वगैरह है हमारी। ओके ओके, हाँ ये हमने अभी देखा, काफी अच्छा लगा हमें। हाँ, थोड़ा अलग। ओके, तो मोटा भाई के कहने के अनुसार ये है कि उन्होंने जो यूनिक रिजॉर्ट बनाया है वो थोड़ा सा हटके बनाया है क्योंकि एक ही चीज कर करके यहाँ के लोग बोर हो गए। हाँ, तो यहाँ पे कुछ एडवेंचरस बनाया गया ताकि लोगों को इंटरेस्टेड और एक बार में यहाँ पे मन ना भरे, वीकेंड जो भी हो या यहीं पे मनाने का सोचे। ओके, तो इन्होंने ये बताया कि जो लोग क्रिकेट के शौकीन है और उस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे थिएटर है। जब आईपीएल का सीजन चल रहा था दोस्तों तो यहाँ पे आईपीएल का मैच चल रहा था ताकि लोग घर से यहाँ पे इस रिजॉर्ट का आनंद भी उठा रहे थे और साथ साथ मैच भी देख रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है इस रिजॉर्ट की। तो चलिए हम थिएटर आपको बाद में दिखाएंगे, आगे चलते हैं। ये कुछ और यहाँ के बारे में बता रहे जो यहाँ के कैप्टन गोदानिया साहब है, और भी कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे। बच्चों के लिए क्रिकेट का भी है सर, हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक नेट बनाया गया है जहाँ पे आप क्रिकेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी लोग है नहीं इसीलिए अभी भीड़ नहीं है, शाम के समय पे यहाँ पे जरूर आपको भीड़
भीड़ दिखेगी सर? बहुत सारा क्राउड रहता है सर शाम के टाइम। अभी क्या थोड़ा ये गर्मी की है सर, अभी गर्मी भी ज्यादा है। ओके ओके ओके, इसकी वजह से क्या है कि कम लोग आते हैं अभी दिन में। ओके ओके, तो यहाँ बता रहे हैं कि गर्मी अभी है इसलिए कम लोग हैं, लेकिन शाम में इतना ज्यादा क्राउड हो जाएगा जितना हम सोच भी नहीं सकते, इतना क्राउड होगा यहाँ पे। ओके ओके, मतलब नॉर्मली ये बताना चाह रहे हैं कि हर इवनिंग में 500 के आसपास यहाँ पे लोग रहते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए यहाँ पर आना। होटल का भी मतलब आपका बाहर से आए हैं तो रुकने की भी सुविधा है सर, हमारे 12 रूम्स है अवेलेबल। ओके, तो ये मोटा भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि बता रहे हैं कि यहाँ पे 12 रूम है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। और यहाँ की क्या चार्जेज वगैरह वो भी ये अभी थोड़ी देर में आपको बता देंगे। हाँ सर, वो भी अभी एक्चुअली हमारे थोड़ा ये सरप्राइज है, अभी थोड़े टाइम में चालू। तो दोस्तों ये एक सरप्राइज है जो अभी रिवील नहीं किया जाएगा आपको, थोड़ी देर के बाद ये रिवील होगा जब ये रिजॉर्ट साइड करेगी कि कब रिवील करना है। ओके, तो दोस्तों देखिए कि अभी कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा था, जैसा हमारे गोदानिया साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे कल रात में पार्टी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पार्टी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ प्लीज कंटिन्यू। तो इसकी वजह से अभी पार्किंग वगैरह, बाकी यहाँ पे आपको साउंड सिस्टम वगैरह की हमारी सुविधा मिल जाएगी। ओके, वो भी है और आप मीटिंग भी कर सकते हैं। ओके, इसका कोई इतना कॉस्टली हम नहीं लेते। okay. तो आपको बर्थडे पार्टी इनकेस करते हैं तो उसका हम आधे घंटे के लिए कोई चार्जेस नहीं, आप रेगुलर जो हमारी टिकट है okay. उसके लिए हम देते, उसका कोई एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा थे। ओके, एक मिनट, हम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं अगर बर्थडे कुछ करे तो? बर्थडे के लिए मैम आप आधा घंटा हम फ्री देते, बाकी अदरवाइज आप जैसे उसमें डेकोरेशन वगैरह है तो उसका मतलब जो मार्केट का रेट है। स्टे करने का टाइम क्या है? वैसे हमारा बर्थडे आप एंजॉय करने के लिए हमारा 6 से 11 आ सकते हैं, उस रिसोर्ट में आप एंट्री कर से कर लिए 6 से 11, आप 6 से 11 यहाँ मतलब हम रह सकते हैं। हाँ, 6 से 11 तक रिसोर्ट में रह सकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि अगर आपको बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन करना हो तो हाफ एन आवर अगर आप इस बैंक्वेट हॉल का यूज करते हैं तो आपको कोई चार्जेज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके बाद आप यूज करते हैं तो इनकी जो चार्जेज वो देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट रिजॉर्ट में एंट्री करते हैं तो वहां पे पर एडल्ट 300 रुपये और 5 साल से ऊपर बच्चों का फेयर है, और आप पूरे के पूरे इसके जितने टाइम ये ओपन रहेगा आप इसका मजा ले सकते हैं। हमारा 2 टाइमिंग है सर। हाँ प्लीज। एक 11 से 3 का है, 4 का है सॉरी, 11 से 4। ओके, 6 से 11 का टाइम। ओके, और इसका कोई क्लोजिंग डे है? क्लोजिंग डे एक भी नहीं है सर। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि क्लोजिंग डे बिल्कुल नहीं, मतलब 24 मतलब कि 24 आवर आप बोल सकते हैं जो इसकी टाइमिंग है, आप किसी भी दिन आइए आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। स्विमिंग पूल का भी, आप फैमिली के साथ आए हैं तो उसका आप जैसे 11 बजे आए हैं तो आप 4 बजे तक इंजॉय कर सकते हैं। ओके, एक कंडीशन है ओनली फॉर जो आप बॉयज में आते हैं, जो कपल मतलब मेल्स फीमेल नहीं है, तो हमारा टाइमिंग एक सेट किया हुआ है कि आप 11 से 1:30 बजे तक ही आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सर ये फैमिली है। ओके, इनके वो थोड़ा सा हमको सिक्योरिटी के लिए। ओके, तो इन्होंने जैसा बताया कि अगर आप ओनली मेल्स आए हैं तो आपके लिए एक टाइम फिक्स्ड है स्विमिंग पूल यूज करने का, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आए तो फिर आप फुल टाइम यहाँ पे स्विमिंग पूल का इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे कल शाम में कुछ ऑर्गेनाइज किया गया था मोटा भाई यहाँ पर? सर, ये हमारी कल 300 या 400 समथिंग की पार्टी थी। ओके, उसकी वजह से हो गया, शादी था मतलब। ओके गुड, तो इन्होंने बताया कि कल यहाँ पे एक शादी का प्रोग्राम था जिसमें 300 से 400 लोग आए थे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का अगर आपके घर में शादी है तो भी आप इस यूनिक रिजॉर्ट का मजा उठा सकते हैं। मतलब दिस यूनिक रिजॉर्ट इज ऑल इन वन, मतलब आपका घर में जो भी इवेंट हो, इवन वीकेंड मनाना हो, बर्थडे हो, शादी हो, कुछ भी हो, मीटिंग हो, हर चीज के लिए यहाँ पे आपको सारा ऑप्शंस मिलेगा। हमारे यहाँ किसी शादी है तो इनके हमारे यहाँ 2 रूम्स भी दिए हुए चेंजिंग रूम्स के लिए। ओके, ऑप्शन है कि एक दुल्हन हो। ओके, अगर आप दोस्तों शादी के लिए आप यहाँ पे बुक करते हैं तो यहाँ पे जो आपको 2 टेंट दिख रहा है वो एक दूल्हे के लिए और एक दुल्हन के लिए, मतलब ये एज ए वो अपने रूम की तरह यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है इस यूनिक रिजॉर्ट की। ओके ओके, तो ये 3000 कैपेसिटी का ये जो ग्राउंड है वो 3000 कैपेसिटी का। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अभी जो उस रूम के बारे में मैं बता रहा था जिसका प्राइस अभी फिक्स नहीं हुआ है और ये रूम्स अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जो यहाँ के कैप्टन है गोदानिया साहब वो हमारे साथ इस रूम कैसा है वो शेयर कर रहे हैं, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये रूम कैसा है। तो आइए,
तो दोस्तों देखिए, ये जो एक झोपड़ी टाइप का बनाया हुआ है उसका अंदर से ये उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इस रूम में आप देखें कि एसी भी है, टीवी की व्यवस्था भी है इनबिल्ट जो आपका। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको वाईफाई भी मिल जाएगा, तो आपको नेट की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार मैं आपको रूम अच्छे से दिखा देता हूँ कि ये रूम कैसा है, क्योंकि कुछ ही दिन में ये जो रूम है वो खुल जाएगा। तो आप इस रूम का, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहे तो यहाँ का जो बेड वगैरह वो कैसा है। तो अभी दोस्तों ये शुरू नहीं हुआ इसलिए आपको अरेंज नहीं है, जैसे ही ये जिस दिन से ये शुरू हो जाएगा रूम्स, तो बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट होंगे। तो आपको यहाँ पे जो इनबिल्ट बाथरूम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ की जो चालू भी। ओके, तो अभी इन्होंने बताया है कि इस रूम का जो प्राइस है वो फिक्स नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी हम स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं और गोदानिया साहब बता रहे हैं कि इस स्विमिंग पूल का जो पानी है वो वीकली चेंज होता है और साथ में एक फिल्टर भी लगाया हुआ है, मतलब कि ऑल द टाइम इसका जो पानी है वो क्लीन होता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो स्विमिंग पूल का मज़ा उठा रहे हैं। तो स्विमिंग पूल काफ़ी अच्छा यहाँ का स्विमिंग पूल है और यहाँ पे बैठने के लिए भी सब कुछ बनाया हुआ है। इसमें हर रोज सब इतने लोगों की कैपेसिटी, थोड़ा भी ऐसा है कि थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि हम तो ये एक्सेप्ट ऐसा नहीं कर सकते थे कि इतने लोग हो जाएंगे। ओके ओके, अगर हर रोज हमारे 300-500 समथिंग लोग हो रहे हैं। ओके, अभी थोड़ा स्विमिंग पूल में भी हम भविष्य में ऐसा सोच रहे हैं कि इससे भी बड़ा करेंगे। ओके, तो फ्यूचर में इस स्विमिंग पूल को और बड़ा करने का सोचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग आते हैं कि ये स्विमिंग पूल उसके लिए कम पड़ जाता है। तो फ्यूचर में ये जो दोस्तों स्विमिंग पूल है वो थोड़ा बड़ा हो जाने वाला है। दोस्तों अभी यहाँ पे एक गेम जोन भी है। आपका क्या नाम हुआ मोटा भाई? तो जोशी अविनाश जो है इनके अंकल का ही ये रेस्टोरेंट है जैसा इन्होंने बताया। तो ये अभी हमें यहाँ का गेम जोन दिखाने वाले हैं कि यहाँ का जो गेम जोन है वो कैसा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और हम देखते हैं गेम जोन यहाँ का कैसा है। दोस्तों ये यहाँ का गेम जोन है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लूडो रखा हुआ है, लूडो आप खेल सकते हैं, चेस रखा हुआ है, कैरम बोर्ड है, आप कैरम बोर्ड का यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि स्नैक्स और लैडर गेम है, यहाँ पे चेस है, और ये रहा दोस्तों आपका होलो। तो यहाँ पे आप इसका नताशा और आदि भी इसका मज़ा ले सकते हैं, मतलब कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो यहाँ का इंटरनल गेम जोन है यहाँ पर भी काफ़ी मज़ा होने वाला है। तो देखिए, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ओपन थिएटर भी है, तो अभी हम ओपन थिएटर देखते हैं कि जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है ओपन थिएटर के लिए और स्पीकर्स भी लगे हैं, और जस्ट इसके अपोजिट में जो इसका स्क्रीन है वो है। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मतलब ओपन थिएटर का भी मज़ा ले सकते हैं, जो रात में यहाँ पे 7:30 से शुरू हो जाता है, जैसे ही अंधेरा होता है शुरू हो जाता है, तो आप यहाँ पर ओपन थिएटर का भी मज़ा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने स्विमिंग पूल का मज़ा उठा लिया, हमने यहाँ का जो स्विमिंग पूल था वो आपको दिखाया और वहाँ पे हम भी इंजॉय किए। तो अभी लंच का टाइम हो गया और हम लंच करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग लंच भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बुफेट सिस्टम है, सेल्फ सर्विस है, आप यहाँ पर मतलब कि खुद से ले कर अपना सेल्फ सर्विस कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेट्स और बाउल रखा हुआ है, यहाँ पर आपका सेल्फ सर्विस है। जैसे अभी नताशा यहाँ से प्लेट ले रही है, प्लेट ले रही है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको टोकन देना पड़ता है। जैसे अभी भाई साहब पूछ रहे हैं टोकन के लिए, तो दो टोकन है, मैं अपने लिए बाद में लूँगा सिंगल टोकन, अभी के लिए एक टोकन लो, अभी सिंगल टोकन है। मैं यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो लंच के लिए है वो क्या क्या है। तो नताशा यहाँ पर अभी जा रही है और लंच स्टार्ट करें। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर डिशेस में क्या क्या है। चलिए, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रूट सलाद भी है, साथ में फ्रूट सलाद है,
फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छे टाइप के व्यंजन हैं जो आपको दिख रहे हैं। ये किसी चीज़ का हलवा है और ये आप देख रहे हैं कि तीन तरह की सब्जी है जो आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आलू की सब्जी है, साथ में पुलाव है, दाल है और ये गुजरात का जो डिश है वो है। तो आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी वैरायटी है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे तंदूरी रोटी है जो आप बटर लगाई हुई है, बटर रोटी है वो है साथ में। और यहाँ पे दोस्तों मतलब कि स्नैक्स के रूप में आपको दिख रहा होगा कि स्नैक्स के रूप में भी दो वैरायटी रखी हुई है, वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। और ये दोस्तों फ्राइम्स, जो हम हमेशा लंच के साथ फ्राइम्स लेते हैं, उसके साथ में दोस्तों यहाँ पे सैलेड जो खीरा और गाजर का यूज किया गया है, और वही गुजराती जो हमारा जो अचार है वो है साथ में, एक तरह की चटनी है, ये दूसरे तरह का अचार है। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे, मतलब कि ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पे खाने के लिए जो है काफ़ी, मतलब कि जो आपने 300 पेड किया है उस 300 में आपने गेम जोन देखा, स्विमिंग पूल का एंजॉय किया, बच्चों के लिए काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो अनलिमिटेड फूड और वो भी इतनी सारी वैरायटी में, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो यूनिक रिजॉर्ट है वो एक बार तो घूमना बनता ही है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे लंच कर लिया और यहाँ का जो लंच था वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और सबसे अच्छी बात है कि आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं हो रही थी, मतलब कि हर चीज़ की अवेलेबिलिटी फुल यहाँ पे थी। तो यहाँ का जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, मैंने खुद टेस्ट किया तो खाना यहाँ का बहुत अच्छा था। और शाम के समय पे जब यहाँ पे ज़्यादा रश हो जाती है तो जो बफेट सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेम बफेट सिस्टम ये बाहर आपको जो टेबल दिख रहा है यहाँ पर लगा दिया जाता है ताकि लोग ईजिली खाना खा सकें। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा रश हो तो लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ता है, तब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना खाना जो है लेने के बाद एक एक सेम बैठने की जगह ये सामने है, फिर उसके बगल में है, और जो ओपन है यहाँ पे भी लोग बैठ के आराम से खाते हैं। तो मतलब शाम में यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि वेटिंग पीरियड हो जाता है, और लोग यहाँ पे इसलिए गेम जोन बनाया गया है, स्विमिंग पूल बनाया गया है ताकि लोग आराम से उस टाइम का को इन्जॉय कर सकें और बोर ना हो। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको यूनिक रिजॉर्ट पूरी अच्छी तरह से दिखाया और यहाँ पे क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए ऑप्शन है वो सब कुछ आपको दिखाया। और इतने कम प्राइस में आपको इतना ज़्यादा जो ऑप्शंस है और पोरबंदर में कहीं नहीं मिलेगा। हमने खुद यहाँ पे स्विमिंग पूल का मज़ा उठाया, यहाँ का जो खाना पीना था वो खाया, जो स्टार्टर्स थे वो खाए, तो काफ़ी कुछ जो भी यहाँ पे थे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की कि आपको भी इस यूनिक रिजॉर्ट के बारे में सब कुछ बता सकूं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए डेस्टिनेशन के साथ दोबारा हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।